ग्वालियर फोर्ट भारत के प्रसिद्ध किलों में से एक है। ग्वालियर फोर्ट में टोटल 4 गेट हैं। 2 गेट सरकारी कारणों से बंद कर रखे हैं, बाकी 2 गेट ओपन हैं, जिसमें से एक गेट को बाय रोड जाया जा सकता है। वह गेट उरवाई गेट के नाम से जाना जाता है और दूसरा गेट एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर का किला शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ पर कई राजवंशों ने राज किया। यह गेट उरवाई गेट है। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे रोड सिंगल है, इसलिए पहले आगे से गाड़ियाँ निकलती हैं फिर यहाँ से गाड़ी जाती हैं। अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो को वहीं पर रोक दिया जाता है जहाँ पर गाड़ी रोकी थी, और इसके बाद टैक्सियाँ उस स्टैंड पर खड़ी रहती हैं जो 30 रुपये सवारी लेकर आपको ऊपर मेन गेट तक छोड़ देती है। कई लोग इस 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को पैदल भी कवर करते हैं, जो तकरीबन 20 से 25 मिनट में ऊपर किले के मेन गेट के सामने पहुंच जाते हैं। यह किला गोपगिरी पर्वत पर बना हुआ है। इस किले की लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और इसकी एवरेज विड्थ 1 किलोमीटर के आसपास है। इस किले ने मध्यकाल भारत में लगभग सभी डायनेस्टियों के राजाओं का शासन देखा है। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी पर 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जैन धर्म के मंदिर बनाए गए थे। इसके बाद यहाँ पर कई डायनेस्टियों जैसे कछुआ, तोमर, लोदी, मुगल, उसके बाद अंग्रेज़ों ने तक राज किया। यहीं तक है, ये यहाँ की एंट्रेंस है जहाँ से आगे आपको अंदर किले में जाने के लिए टिकट मिल जाता है। सर गाइड ले लीजिए सर आप, क्योंकि सामने जो महल देखने जा रहे हैं राजा मोहन सिंह अमर की यहाँ पुराने सुंदर महल है, पूरा बहुत अच्छी तरह से जिस तरह इसके हम बात करें पूरा का पूरा सेल्फ सूटर बना हुआ है। तो मेन में जो मोनूमेंट है 8 मोनूमेंट आउटर पिलर कवर पे जो आप देख कवर आउटर पिलर अरे वहां से मत आ दिस गेट वाज नोन एंड ही मेड अ न्यू गेट इज इन नॉर्थ दैट्स ये सामने राजा मानसिंह का महल है जो टोमर डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे। राजा मानसिंह का महल सन 1486 से 1516 तक बनाया गया था। इसमें ये सारे कलर ओरिजिनल हैं। ऐसा बताया जाता है कि यह मीनाकारी कला है
जिसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। इस किले का कुछ पार्ट सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल के अंडर है और कुछ पार्ट स्टेट एएसआई के अंडर है। सेंट्रल एएसआई के अंडर वाला पार्ट की टिकट 25 रुपये है, जो पहले टिकट काउंटर से ही मिल जाती है। राजा मानसिक द्वारा बनाए गए मन मंदिर महल की टिकट सेंट्रल एएसआई के अंडर आती है, इसलिए पहले इन्हीं का महल ही देखा जाता है। राजा मानसिंह की 9 रानियां थी, 8 रानियां इसी महल में पर्दे में रहती थी, जबकि 9वीं रानी नीचे गोजरी महल में रहा करती थी। इस मन मंदिर महल को भूल भुलैया महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जैसी ही खिड़कियाँ, कमरे, दरवाजे हैं कि आप आसानी से रास्ता भूल जाते हैं। ग्वालियर शहर का नजारा, ये किले का दूसरा पार्ट स्टेट एएसआई के अंडर में है। इसकी प्रवेश टिकट 20 रुपये पर पर्सन है।
यह कर्ण महल है जो राजा मानसिंह के फादर कर्ण सिंह ने बनवाया था। चूंकि किला शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ ऊपर से पूरे ग्वालियर शहर को देखा जा सकता है। यह तालाब जौहर कुंड है, ऐसा बताते हैं कि 1232 में इल्तुतमिश के अटैक में राजा भृंगदेव यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे और उसके बाद उनकी रानियों, दासियों और कुल मिलाकर 17 महिलाओं ने यहाँ पर जौहर किया था। उसके बाद से इस तालाब को जौहर कुंड कहते हैं। यह नीचे गुजरी महल है जो राजा मानसिंह ने अपनी नौवीं रानी के लिए बनवाया था। इनका नाम मृगनयनित भी था। यह बहुत खूबसूरत थी। राजा मानसिंह से शादी के लिए इन्होंने 3 शर्तें रखी थी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि राजा जहां भी लड़ाई के लिए जाएंगे वह इनके साथ जाएंगी। दूसरी शर्त थी कि यह बाकी रानियों से अलग बिना पर्दे के रहेंगी और तीसरी शर्त यह थी कि इनके महल में पानी की सप्लाई इनके गांव से होगी, जो कि 16 किलोमीटर दूर था। यह सामने छोटा सा किंग्स मेमोरियल है। लेफ्ट साइड में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया कारखाना है जहां पर गोले बारूद बनाए जाते थे। यह विक्रम महल है जो राजा मानसिंह के लड़के थे, इन्होंने ही शिवजी का मंदिर बनवाया था। यह शिवलिंग उसी जमाने का है। औरंगजेब के अटैक में इस शिवलिंग को हवन कुंड में छिपा दिया गया था, बाद में इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां के महल भी हैं। इन महलों का नाम जहांगीर और शाहजहां इसलिए रखा गया क्योंकि यह 17वीं शताब्दी में उनके शासनकाल में बनवाए गए थे। ये महल मुग़ल आर्किटेक्चर के सुंदर रूप हैं जिनको
एक ही परिसर में बनवाया गया था। यह किले का दूसरा खुला गेट है जिसको एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राजा मानसिंह हाथी से किले में प्रवेश किया करते थे। ये चतुर्भुज मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीवार पर जीरो जैसी आकृति पाई गई, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सबसे पुरानी जीरो की आकृति इस क्षेत्र में यहाँ पर इस जगह पर मिली थी। All the friends could feel the same.